चलो। ये तो सरासर गलत है। वो एकदम गलत है पप्पू। वो पत्रकार तू है और खबर हमें कोई और दे रहा है। भाई मैं ये कह रहा था कि रिक्शा वाले और किसी पैसेंजर के बीच में झगड़ा हो गया, उसमें रिक्शा और टैक्सी यूनियन ने हड़ताल कर दी, ये गलत है। आजकल पता नहीं ये क्या होता जा रहा है, लोगों का पेशेंस ही खत्म होता जा रहा है। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े और हड़ताल पे उतर आते। अब इस रिक्शा वाले और पैसेंजर के बीच में जो झगड़ा हुआ उसमें गलती न जाने किसकी थी। खैर जिसकी भी गलती हो, लेकिन परेशान तो हम लोग होंगे ना, भुगतना तो हमें पड़ेगा। और नहीं तो क्या, अभी मैं आप भी तो कहते जाएगा, मेरा आज बहुत अर्जेंट मीटिंग है। अगर मुझे एयरपोर्ट जाने में एयरपोर्ट कैसे पहुंचूंगी ये तो सोचो। हाँ अरे अभी 3 घंटे के बाद तुम्हारा कोलकाता का फ्लाइट है। बबीता जी आप कोलकाता जा रहे? जी हाँ। क्यों? अरे क्यों क्या जड़ालाल, तुम बचाओ जाते हो तो मैं कभी पूछता हूँ तुमको कि तुम बचाओ क्यों जा रहे हो। लेकिन बबीता जी आप अचानक कोलकाता जा रही हैं, सब कुछ ठीक है ना? हाँ सब कुछ ठीक है, बस ऐसे ही मुझे कुछ दिनों से मॉम डैड की बहुत याद आ रही थी तो मैंने सोचा मैं जरा जाके अपने पेरेंट्स को मिल के आऊँ इसलिए। पर अभी ये रिक्शा टैक्सी की स्ट्राइक हो गई तो मैं एयरपोर्ट कैसे पहुँचूंगी? अरे ये रिक्शा टैक्सी की हड़ताल की वजह से बेचारे बबीता जी का कितना टेंशन हो रहा है। काश मैं ये रिक्शा टैक्सी यूनियन का लीडर होता तो आज हड़ताल होने ही नहीं देता। ओ आप सब टेंशन किस बात की ले रहे हो भाई, आपका अपना रोशन सिंह सोढ़ी है ना, आप सबको मैं आपके ऑफिस में छोड़ दूंगा और बाद में बबीता जी आपको एयरपोर्ट पे छोड़ दूंगा। अरे थैंक यू थैंक यू। सोढ़ी भाई थैंक यू सो मच, पर आप वैसे भी अपना काम छोड़ के इन सबको ऑफिस ड्रॉप करने जा रहे हो तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका और टाइम बिगड़े, सो इट्स ओके थैंक यू। अरे एक मिनट बबीता जी, तो एक काम करते ना सोढ़ी, तो बबीता जी को एयरपोर्ट छोड़ के हम लोग अपने अपना देख लेंगे। नहीं नहीं सोके जेठा जी, मैं अपनी फ्रेंड सोनाक्षी को फोन कर दूंगी, वो मुझे आके एयरपोर्ट ड्रॉप कर देगी। अरे पक्का? हाँ हाँ पक्का, डोंट वरी। ठीक है तो फिर सोढ़ी फटाफट जीप लेकर आ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ओ फिकर नॉट पप्पू, होने गड्डी ला गया। चलो मैं भी चलता हूँ। ओके तारक आपका लैपटॉप बैग और टिफिन। अरे बबीता जी अयर भाई अभी ढूंढनी क्यों, मतलब मुझे चाहिए सरकरम की चाबी, ऐसे कैसे गायब हो सकती है? क्या हुआ माधवी भाभी? नहीं नहीं हुआ कुछ नहीं है, क्या शादी में जाने के लिए ऑलरेडी लेट हुआ है और इनको सखरम की चाबी नहीं मिल रही है जो इनको अभी ही ढूंढनी है, असस्तका पता नहीं कहाँ भूल गए। अरे मैं बोल रहा हूँ माधवी, मैं सखरम की चाबी भूल ही नहीं सकता कहीं। हाँ भाई बराबर है, भिड़े एक बार सांस लेना भूल सकता है लेकिन सखरम और उसकी चाबी कभी नहीं भूल सकता। माँ भिड़े तू यहीं गिरा था ना, तो चाबी भी यहीं कहीं गिरी होगी, देख ले जरा। तो मुझे नहीं लगता, फिर भी आहो चाबी कहीं गिरी नहीं है, भूल ही गए हैं आप यहाँ। चाबी लगाई थी ना तो ये सोढ़ी के चक्कर में भूल गया मैं इधर। वाह वाह भिड़े वाह, चाबी तो खुद भूल गया स्कूटर में और बिल सोढ़ी पे फाड़ रहा है, यार ये गलत है। बोलो तुम्हें काम पे नहीं जाना है? जाना है ना भाई, लेकिन छोटी जीप लेके आए तो जाए ना। क्या मतलब? अबे भिड़े आज वो रिक्शा और टैक्सी की अचानक हड़ताल हो गई है ना, इसलिए सोढ़ी अपनी जीप में हम लोगों को हमारे ऑफिस ड्रॉप कर रहा है। ओहो वैसे माधवी भाभी आप इस येलो साड़ी में बहुत प्रीटी लग रही है। हाँ माधवी भाभी थैंक यू। अंजलि भाभी अरे माधवी वैसे भी संतोष पांडे में 2-5 मिनट है तो मैं नोटिस बोर्ड पे सूचना लिख देता हूँ कि आज टैक्सी और रिक्शा की हड़ताल है, क्या सबको पता चल जाएगा ना? बरोबर। हाँ। आप तुम भी उधर। हाँ हाँ। देखा लिख दिया, आज अभी अचानक रिक्शा और टैक्सी की हड़ताल हो गई है, सबको पता होना चाहिए। मैं तो क्या खाली पीली एक है ना। ओ आ गया। हाँ संतोष आलस कर दू। हाँ चला लगता है नट्टू काका
सेठ जी दुकान आएंगे? उन्होंने बोला ना, भले थोड़ी देर होगी पर आऊंगा जरूर। अरे लेकिन नट्टू काका, रिक्शा टैक्सी की हड़ताल है, तो फिर सेठ जी दुकान आएंगे कैसे, चल के? आई डाउट। तो फिर दुकान आएंगे कैसे? गॉड नोस। बागेश्वर जी, बावरी जी, बावरी जी, आप यहाँ? हाँ। बावरी जी, सेठ जी ने अगर आपको यहाँ देख लिया तो पलट देंगे मेरी काया। आपके सेठ जी दुकान आएंगे तब मुझे देखेंगे ना, आज तो रिक्शा और टैक्सी की हड़ताल है तो वो तो दुकान आएंगे ही नहीं। यार रॉन्ग बावरी, सेठ जी ने कहा है भले थोड़ी देर होगी मगर वो आएंगे जरूर। हाँ बावरी जी, और आप तो जानती ही हैं कि काम के वक्त बेवजह आप दुकान में आती हैं तो सेठ जी कैसे लाल पीले हो जाते हैं। मैं बेवजह नहीं आई हूँ, मैं तो मेरे मोबाइल का कवर लेने आई हूँ। बावरी जी, आपको तो पता ही है कि हम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल कवर नहीं रखते। ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम मार्केट जाकर ले लेते। अभी? नहीं नहीं बावरी जी, अगर काम के वक्त सेठ जी को बिना बताए आपके साथ जाऊंगा तो काम और सेठ जी दोनों के साथ गद्दारी होगी। आपको मोबाइल कवर ही लेना है ना बावरी जी, तो जाके ले लीजिए ना। नहीं खरीद सकती। क्यों? क्योंकि जब भी मैं मोबाइल कवर खरीदने जाती हूँ मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कौन सा लूँ और कौन सा नहीं। पिछले 4 दिन से मैं रोज मार्केट जाती हूँ और कंफ्यूज होकर वापस आ जाती हूँ, इसलिए प्लीज 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 आप चलिए ना, सीट जी आने से पहले वापस आ जाएंगे। बावरी जी, मैं काम के वक्त आपके साथ नहीं जा सकता, प्लीज। ठीक है बागेश्वर जी, अगर आप मेरे साथ मोबाइल कवर खरीदने नहीं आओगे तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मेरी बात सुनिए बावरी जी, मैं बावरी जी सुनिए, फिर से रूट गई बावरी जी। नट्टू काका, प्लीज हेल्प। बागा, शादी के बाद भी प्रॉब्लम तो आते रहेंगे, हर बार छोटे मोटे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, इसलिए बागा बेटा छोटे छोटे प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने की आदत डाल लो। तो क्या करूं? आइडिया, एक काम करते हैं बावरी जी, हम दोनों गोडाउन जाते हैं और वहां से ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, उससे मेरा काम भी नहीं बिगड़ेगा और आपका काम भी हो जाएगा। एक तीर दो निशान। वाह वाह मेरे अर्जुन, वाह। थैंक यू नट्टू काका। बावरी जी, कैसा लगा मेरा आइडिया? बिल्कुल आपके जैसा प्यारा। चलिए जल्दी चलिए नट्टू काका, जल्दी जाके जल्दी आता हूँ। आइए बावरी जी, चलिए। सच ए क्यूट कपल। सेठ जी, आप यहाँ? आप यहाँ मतलब इतनी जल्दी यहाँ? फोन पे तो आपने बोला था कि मुझे आने में देर लग जाएगी, झूठ क्या बोला? झूठ क्या बोल रहे हैं नट्टू काका? तो झूठी हुआ ना, आप तो जल्दी आ गए। अरे भाई, हमारी बात हुई उसके बाद मुझे सोठी मिला तो वो भी गैरेज के लिए निकल ही रहा था, तो उसने बोला कि जठेपुरा मैं आपको अपनी जीप में छोड़ देता हूँ दुकान, इसलिए जल्दी आ गया। अच्छा, भागा कहाँ? कौन भागा? नट्टू काका, क्या हो गया आपको? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, तो कौन भागा मतलब? अच्छा, कहीं मुझे आने में देर हो जाएगी यह सोच के बावरी के साथ घूमने तो नहीं चला गया? नहीं नहीं सेठ जी, भागा घूमने नहीं गया है। तो कहाँ गया है? वो गोडाउन में ब्रिज का स्टॉक चेक कर रहा होगा। ब्रिज? आई मीन फ्रिज का स्टॉक चेक करता होगा, फ्रिज। अरे पर कल ही तो फ्रिज का स्टॉक चेक किया था, आज फिर से क्यों कर रहा है? रीचेक कर रहा होगा।
आपने बोला रिचेक करने के लिए? नहीं। तो क्या टाइम पास कर रहा है वो गोडाउन में? अरे सेठ जी, आप कहाँ जा रहे हैं? गोडाउन में? अरे अरे सेठ जी, आपको गोडाउन में जाने की तकलीफ लेने की जरूरत क्या है? मैं बाघा को यहाँ बुला लेता हूँ ना। लेकिन मैं गोडाउन में जाऊँ उसमें आपको क्या तकलीफ हो रही है? मुझे कोई तकलीफ नहीं। तो सेठ जी, आप अभी अभी दुकान आए हैं, जरा रिलैक्स हो जाइए, चाय भाई पीजिए, तब तक मैं बाघा को बुला लेता हूँ। जब तक मैं गोडाउन में जाकर देखना लूँ कि बाघा एग्जैक्टली वहाँ क्या कर रहा है, तब तक मैं रिलैक्स नहीं हो सकता। हे भगवान, बाघा बावरी को बचा लेना। अरे वाह, ये ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन कितनी कमाल की है, इतनी सारी वैरायटीज है मोबाइल कवर्स की। ये देखिए बावरी जी, ये टेडी बेयर वाला मोबाइल कवर कितना क्यूट है। बिल्कुल आपकी तरह। मैं आपको क्यूट लगता हूँ। यस, यू आर माय क्यूटी पाई एंड यू आर माय स्वीटी पाई। हाउ रोमांटिक। बाकी शोर जी, आप मेरे लिए गाना गाइए ना। नहीं नहीं बावरी जी, मुझे शर्म आती है। किससे? हमारे अलावा तो गोडाउन में कोई है ही नहीं। अच्छा, इसलिए नट्टू काका मुझे गोडाउन में आने से रोक रहे थे। अच्छा बावरी जी, सेठ जी आए उससे पहले फटाफट आपके मोबाइल के लिए कवर खरीद लेते हैं। ये देखिए। अरे वाह बावरी जी, ये देखिए, ये कवर एकदम मस्त है। जब भी आपका फोन बजेगा, इस मोबाइल के कवर की लाइट लबुक जबुक होगी। क्या लाइट क्या होगी? लबुक जबुक। सेठ जी आप? क्या हुआ, तेरी लाइट क्यों बुझ गई? फिर से चालू हो गया तुम दोनों का। कितनी बार बोला, अभी तो मुझे बोलने का भी कंटाला आता है। बोला है ना भाई कि काम के टाइम पे बावरी दुकान में नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। पर ये तो गोडाउन है ना। तो आपने गोडाउन में आने से थोड़ी मना किया है, आपने तो दुकान में आने के लिए मना किया है। बावरी जी, सेठ जी, दरअसल मैं तो गोडाउन में फ्रिज का स्टॉक चेक करने के लिए आ रहा था, उतने में बावरी जी आ गई। और सेठ जी, इस वक्त बावरी जी बनके नहीं, कस्टमर बनके आई है। अच्छा, मतलब तू हर कस्टमर के लिए गाना गाता है? नहीं नहीं सेठ जी, सबके लिए नहीं, सिर्फ बावरी जी के लिए, क्योंकि तब थोड़ी देर के लिए बावरी जी कस्टमर में से बावरी जी बन गई थी। क्या बोल रहा है तू बाघा? मैं आपको शॉर्टकट में समझाता हूँ सेठ जी। दरअसल बावरी जी अपने मोबाइल के लिए कवर लेने आई हैं, लेकिन हम तो दुकान में मोबाइल कवर रखते नहीं, इसलिए मैं उनको मोबाइल कवर का ऑनलाइन शॉपिंग करवाने में मदद कर रहा था। अरे पागल हो गया है तो? ये ऑनलाइन शॉपिंग वालों की वजह से तो हम दुकान वालों का धंधा कम हो रहा है, और तू ऑनलाइन शॉपिंग को बढ़ावा दे रहे है। अब बागेश्वर जी को मत डांटिए, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। तो किसकी? तेरी गलती है। नहीं। तो किसकी गलती है? आपकी दुकान की। अगर डांटना है तो आप अपनी दुकान को डांटिए। ये आप क्या बोल रही है बावरी जी, इसमें दुकान की गलती कैसे? गलती है बागेश्वर जी, अगर दुकान ने अपने अंदर मोबाइल कवर रखे होते तो आज ऑनलाइन शॉपिंग करने की नौबत नहीं आती। आप मुझे दुकान से अच्छा सा मोबाइल कवर दे देते तो ठेजालाल जी के आने से पहले मैं घर ही चली जाती। ठेजालाल? नहीं, ठेजालाल नहीं बावरी जी, सेठ जी का नाम जेठालाल जी है। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई बागेश्वर जी। बावरी जी, इतना सिंपल नाम है जेठालाल जी, आपको याद क्यों नहीं रहता? वो मुझे भी समझ में नहीं आता। ये बाघा का नाम में तो तू कभी गलती नहीं करती है? उसको बाघा का घाबा या घाबेश्वर ऐसा कभी नहीं कहती? बागेश्वर जी का नाम तो मुझे पहले ही दिन से ऐसा याद है, जिंदगी भर भूल ही नहीं सकती। अरे बंद कर तेरा। नहीं मतलब सेठ जी, बावरी जी की बात एकदम सही है, अगर हम मोबाइल के साथ साथ मोबाइल कवर भी बेचना शुरू कर दे तो ऑनलाइन शॉपिंग का चक्कर ही नहीं रहेगा, उससे हमारे दुकान के ग्राहक भी बढ़ेंगे और दुकान का प्रॉफिट भी बहुत होगा। अबे मोबाइल कवर में क्या प्रॉफिट बढ़ेगा? तो सेठ जी, हम स्कीम रख सकते हैं ना, मोबाइल के साथ मोबाइल कवर फ्री। हाँ, ये कर सकते हैं। देखा सेठ जी, बावरी जी के आने से आपको फायदा हुआ ना।
ठीक है, तुम्हें सेठ जी के फायदे के लिए रोज दुकान आया करूंगी। अरे नहीं भाई नहीं, अगर तुझे कोई आइडिया है तो फोन से बता देना, उसके लिए दुकान आने की जरूरत नहीं है। चलो तुम्हें जाऊं बागेश्वर जी। जाना ही पड़ेगा बावरी जी, दुकान बढ़ाने के बाद मिलेंगे। हाँ बाय बावरी जी। बाय बागेश्वर जी। बाय। चल 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 अभी चल भाई चल। और तू क्या खड़ा है वो भाई, तू फ्रिज का मुझे स्टॉक चेक करके बता कितना माल पड़ा है। जी जी सेठ जी। हाँ बोलिए बापू जी। मुझे कैसे पता चला कि मैंने फोन किया है, तुझे फोन में से दिखता है? नहीं बापूजी, लेकिन दया भर गाँव है, टप्पू मैच खेलने गया है, तो आपके अलावा घर से मुझे और कौन फोन करेगा? अरे वाह जेठे, अक्कल तो है हाँ तुझमें। ये जानने के लिए फोन किया आपने बापूजी? अरे नहीं नहीं, मैंने तो ये बताने के लिए फोन किया था कि वो मेरा दोस्त है ना श्याम जी, वो बीमार हो गया है। अरे क्या हो गया श्याम जी काका को? उसका बीपी थोड़ा बढ़ गया है और ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा है, तो मैं उसे देखने के लिए अभी उसके घर जा रहा हूँ। लेकिन बापू जी आप जाएंगे कैसे, आज तो टैक्सी और रिक्शा की हड़ताल है। नहीं आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ बापू जी। अरे नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं है, तू अपने काम पे ध्यान दे, मैं अपने जाने की व्यवस्था खुद कर लूंगा। बापू जी आप नहीं कर पाएंगे, मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरे जाने की व्यवस्था कर सकता है तो मैं खुद अपने जाने की व्यवस्था नहीं कर सकता? नहीं 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 कर सकते, जरूर कर सकते, मेरा वो मतलब नहीं था बापू जी। चल चल मतलब वाली काम कर अपना। बापू जी का भी ना कभी कभी समझ में नहीं आता है, कब किस बात पे बिजली की तरह कड़क जाए। उन्होंने बोल तो दिया कि मैं अपनी व्यवस्था कर लूंगा, लेकिन करेंगे कैसे? अरे वाह सकाराम यहीं पे, मतलब भिंडी मास्टर घर पे ही होगा, वो मुझे श्याम जी के घर छोड़ देगा। शाबाश बच्चों शाबाश, इसी तरह सिर्फ खेल के ही नहीं जीवन के हर मैच जीतते रहना है। डोंट वरी दादाजी, टप्पू सुनाना कभी हारना सीखा ही नहीं है, क्यों फ्रेंड्स? वैसे दादाजी आप कहीं जा रहे हैं? हाँ बेटा वो मेरा दोस्त है ना श्याम जी, उसके घर जा रहा हूँ। लेकिन दादाजी आप जाओगे कैसे, आज तो टैक्सी और ऑटो की हड़ताल है। हाँ मुझे पता है टपड़ा, इसलिए मैं भिंडी मास्टर के घर जा रहा हूँ, उसे कहता हूँ कि वो अपने सकाराम पे मुझे श्याम जी के घर छोड़ दे। लेकिन बाबा तो घर पे नहीं है। अचार पापड़ की डिलीवरी करने गए हैं? नहीं नहीं एक्चुअली आई और बाबा शादी में गए हैं, रात को ही वापस आएंगे। लेकिन सकाराम तो यहीं पर है। हाँ वो बाबा ने मुझे फोन करके बताया कि वो लोग संतोष काका की गाड़ी में गए हैं। अब मुझे श्याम जी के घर कौन लेकर जाएगा? दादाजी इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, आपके फ्रेंड के घर आप कल चले जाना। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं उसे मिलने ऐसे ही नहीं जा रहा हूँ, उसकी तबीयत थोड़ी खराब है इसलिए उसे मिलने जा रहा हूँ। क्या है ना कि जब तक मैं उसे मिलूंगा नहीं तब तक मेरे दिल को शांति नहीं मिलेगी। डोंट वरी दादाजी, सखाराम की दूसरी चाबी घर पे है, मैं बाबा से फोन पर पूछ के आपको चाबी दे देती हूँ। अरे नहीं नहीं सुन बेटा, मुझे स्कूटर ठीक से चलाना नहीं आता है, ट्रैफिक में कहीं इधर उधर हो गया तो नहीं नहीं रहने दे। वैसे तो टप्पू सेना में से भी किसी को स्कूटर चलाना नहीं आता, और जिनको आता है वो लोग तो अभी काम पे गए हैं। तो दादाजी आप जाओगे कैसे? वही सोच रहा हूँ बेटा। मित्रों आप में से किसी को स्कूटर चलाना आता है? अगर आता है तो तुरंत गोकुलधाम सोसाइटी चले आइए, जरूरत है आपकी। यहाँ चंपक चाचा बड़े परेशान है, रिक्शा और टैक्सी की हड़ताल की वजह से अपने बीमार मित्र श्याम जी काका से मिलने नहीं जा पा रहे, क्या करें? आपने कभी उस प्यासे आदमी की मनोदशा की कल्पना की है, जो प्यासा हो सामने पानी रखा हो लेकिन पी नहीं पा रहा हो? ऐसी ही मनोदशा इस वक्त है चंपक चाचा की, भेड़े का स्कूटर है, स्कूटर की चाबी है लेकिन चलाने वाला कोई नहीं, अब कौन करेगा चंपक चाचा की नैया पार? लेकिन किसने बहुत ठीक कहा, राह ले ही जाएगी मंजिल तक, हौसला रख। आपने कभी सुना है कि अंधेरों ने सवेरा न होने दिया हो, इसलिए पूरी उम्मीद ही नहीं मुझे विश्वास है कि चंपक चाचा को अपनी मंजिल मिल ही जाएगी, लेकिन कैसे, कौन होगा उनका सारथी, कौन ले जाएगा उन्हें अपनी मंजिल तक? जो भी होगा सारथी, जो भी ले जाएगा, लेकिन आपके घरों में ठा के जरूर लेके आएगा, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
फ्रेंड्स बबीता आंटी, हो सकता है बबीता आंटी को स्कूटर चलाना आता हो। चलो चलो उनसे पूछते हैं। बबीता आंटी, बबीता आंटी, क्या हो गया टप्पू? बबीता आंटी, आपको स्कूटर चलाना आता है? स्कूटर क्यों? वो क्या है ना बबीता बेटा, कि मेरा एक दोस्त है, वो बीमार है, तो मुझे उसे देखने के लिए जाना है, लेकिन आज रिक्शा टैक्सी की हड़ताल है और भिंडी मास्टर भी घर पे नहीं है। लेकिन उनका स्कूटर और चाबी है हमारे पास, तो प्लीज आप दादाजी को उनके दोस्त के घर छोड़ाएंगे। I'm so sorry, पर मुझे ऐसा स्कूटर चलाना नहीं आता है। सॉरी चाचा जी। अरे नहीं नहीं बबीता बेटा, इसमें सॉरी क्यों, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? अरे मुसीबत की जड़ तो ये रिक्शा और टैक्सी की हड़ताल। बिल्कुल सही कहा चाचा जी, देखिए ना इस स्ट्राइक की वजह से मेरी भी फ्लाइट मिस हो गई। मैंने एयरपोर्ट जाने के लिए मेरी फ्रेंड से लिफ्ट ली थी, पर अचानक से बीच रास्ते में उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था एयरपोर्ट पहुंचने का, तो मैं लेट हो गई और मेरी भी फ्लाइट मिस हो गई। पर आप अभी कैसे जाएंगे? तुम मेरी चिंता मत करो, तुम घर जाके आराम करो। ओके ठीक है, बाय। क्या कर रहे हैं दादाजी? सोडी अंकल को फोन करते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। अरे गोगी पत्तर, और भाई गोगी पत्तर, कैसा रहा तेरा मैच? ओए जीते कि हारे? अरे पापा हम लोग जीत गए, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ हो गई? ओ की होया, आज छक्के पे छक्के मारे नहीं क्या? नहीं पापा, मुझे तो हमेशा की तरह बैटिंग ही नहीं मिली। ओ हो हो हो। अरे बुला मुझे फोन। हेलो सोडी। चाचा जी, जय जनेंद्र, सत श्री अकाल मेरी बहना। अच्छा सुन, मुझे मेरे दोस्त श्याम जी के घर जाना है। तो बहुत बढ़िया गल है चाचा जी, यारो दोस्तों को तो मिलना ही चाहिए। अरे सोडी पहले मेरी पूरी बात तो सुन भाई। हाँ जी। ले क्या है ना कि आज रिक्शा और टैक्सी की हड़ताल है और बिल्ली मास्टर भी घर पे नहीं है, तो मैं ये चाहता हूँ कि तू मुझे अपनी जीप में। ओ समझ गया चाचा जी, ओ इसमें कौन सी बड़ी बात है, और ले जाऊंगा आपको। करो जी, क्या कहा? कहा ले जाएगा। अच्छा सॉरी, तू कितनी देर में आ रहा है यहाँ? ओ चाचा जी मैं पाँच मिनट में आ रहा है। अच्छा 5 मिनट? नहीं 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 चाचा जी, मैंने घट तो घट 5 घंटे लगन गए। 5 घंटे? हाँ चाचा जी, वो क्या है ना मैं बड़ी जरूरी काम से वाशी आया हूँ, काम को निपटाते निपटाते कम से कम 3-4 घंटे लग जाएंगे, और फिर वाशी से गोरेगांव आते आते आपको तो मालूम ही है 1-2 घंटे और लगेंगे, टोटल कम से कम 5 घंटे तो लग जाएंगे चाचा जी। मुझे तो श्याम जी के घर अभी जाना है। अभी? हाँ ठीक है चाचा जी, मैं अभी के अभी यहाँ से निकलता हूँ और आपको फिर आपके दोस्त के घर लेके जाता हूँ। अच्छा सुन छोड़े, नहीं नहीं तू एक काम कर, देख तू अपने काम के लिए इतनी दूर गया है तो मेरे लिए अपना काम अधूरा छोड़ के मत आना, जरूरत नहीं। लेकिन चाचा जी। बेटा मेरी चिंता मत कर, मैं और कोई रास्ता निकाल लेता हूँ। ठीक है ठीक है चाचा जी। हाँ क्या हुआ दादाजी, क्या कहा सोडी अंकल ने? वो किसी काम के लिए वाशी गया है, वहाँ से आते आते 5 घंटे लग जाएंगे। तो अब क्या करें दादाजी? दादाजी चलिए मैं आपको साइकिल पे छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं बुढ़ा, श्याम जी का घर यहाँ से बहुत दूर है, साइकिल पे नहीं जा सकते। तो अब क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं बेटा, श्याम जी के घर जाना कैंसिल करता हूँ, और क्या। तो बुढ़ा मैं घर जाता हूँ। काश टप्पू को स्कूटर चलाना आता होता। कितनी अजीब सिचुएशन है ना ये। हमारे पास स्कूटर है, चाबी भी है, फिर भी दादाजी अपने दोस्त के घर नहीं जा पाए। बापूजी श्याम जी काका के घर गए होंगे कि नहीं, टप्पू को पूछता हूँ। पापा का फोन। हाँ बोलिए पापा। हाँ बेटा हो गई तेरी मैच खत्म? हाँ हाँ हो गया पापा। अरे वाह, कौन जीता? हम जीते। अरे वाह, तूने कितना रन बनाए? 71। अरे वाह शाबाश शाबाश बेटा शाबाश। अच्छा सुन, अब एक काम कर, तू फटाफट गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच। पापा टप्पू सोसाइटी में ही है, बोलिए ना क्या काम था। हाँ वो बापूजी को उनके दोस्त है ना श्याम जी काका, उनके घर जाना है। जाना है नहीं पापा, जाना था, दादाजी ने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। ले क्यों, उनका कोई बंदोबस्त नहीं हुआ? नहीं पापा। सेठ जी।
मैंने कहा था बापूजी से मैं उनके जाने की व्यवस्था करता हूँ, लेकिन बापूजी माना ही नहीं। सेठ जी एक मिनट बागा। पापा दादाजी अपने दोस्त को नहीं मिलने जा पाए, इस बात से वो बहुत ही दुखी है। ओहो नहीं नहीं, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ, तो टेंशन मत ले बेटा। ओके अच्छा ठीक है पापा। सेठ जी मेरे पास ऑलरेडी एक रास्ता है। क्या? एक इंसान है जो बापूजी को सही सलामत श्यामजी काका के घर तक पहुंचा सकता है। कौन? बावरी जी। बावरी? मैं बावरी जी को अभी फोन करके बता देता हूँ, वो तुरंत अपना स्कूटर लेके बापूजी को लेने गोकुलधाम सोसाइटी ब्रुम ब्रुम करते पहुंच जाएंगे। ब्रुम ब्रुम। अरे हाय बावरी आंटी। हाय हाय। हेलो टप्पू सेना। हाय बावरी आंटी। हाय बावरी आंटी। आंटी मत कहो ना। अरे आप हमसे बड़े हैं। हाँ लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं हूँ। आंटी सुन के तो ऐसा लगता है जैसे गुड़िया से बुढ़िया हो गई हूँ। तो फिर हम आपको क्या कहकर बुलाए? बावरी भाभी। नहीं नहीं अभी नहीं, शादी के बाद भाभी कहना। बावरी दीदी बुला सकते हैं, चलेगा? अरे दौड़ेगा। मैं दादाजी को बुला कर आता हूँ। दादाजी दादाजी बावरी आंटी आ गई। फिर से आंटी? सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। दादाजी हाँ बेटा। दादाजी बावरी दीदी आई है। अरे वाह आ गए बेटा, मैं अभी नीचे आता हूँ। फ्रेंड्स अब मैं घर जाती हूँ। अरे थोड़ी देर रुकना यार, इतनी जल्दी क्या है? अरे अब तो बावरी दीदी भी आ गई है दादाजी को लेने, अब मैं रुक के क्या करूँ? और वैसे भी आई बाबा शादी में गए तो मुझे बहुत काम है घर पे। अरे यार वेकेशन चालू है, अभी क्या काम? वेकेशन है तो क्या हुआ, तुम लड़कों को ना कोई काम नहीं होते, पर हम लड़कियों को बहुत काम होते हैं। एकदम सही बात। ठीक है सुनो बाद में मिलते हैं। हाँ। बाय 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 बावरी दीदी। बावरी दीदी आप दादाजी को संभल कर लेकर जाना। टप्पू तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, चाचा जी को कोई तकलीफ नहीं होगी। अरे स्कूटर चलाने में तो चैंपियन हूँ मैं। लेकिन एक बात बताओ, तुम लोगों ने अभी तक स्कूटर चलाना क्यों नहीं सीखा? मैं तो तुमसे छोटी उम्र की थी तब से स्कूटर चलाना सीख गई थी। बिना लाइसेंस के? हाँ बिना लाइसेंस के छुप छुप कर सीख गई थी, और जब बड़ी हो गई तो लाइसेंस बनवा लिया। वाह आप तो एकदम छुपी रुस्तम हुआ। हाँ लोग ऐसे ही सीख जाते हैं। और क्या है ना स्कूटर कभी कभी इमरजेंसी में काम आ सकता है। अगर आपको स्कूटर चलाना आता है तो यो चाबी घुमाई और फर से निकल गए। चल बावरी बेटा चल कर जाना है। लेकिन बागेश्वर जी ने तो बोला था कि स्कूटर पे जाना है। अरे चल के नहीं जाना है बेटा, स्कूटर पे ही जाना है। चल बावरी बेटा मतलब चल अपना स्कूटर चालू कर। चलो बच्चों मैं निकलता हूँ। ठीक है दादाजी। बावरी बेटा मुझे बैठने दो। सॉरी सॉरी मुझे लगा आप बैठ गए। नहीं मैं एक मिनट आप एक मिनट बेटा। अच्छा बावरी बेटा तुम्हें ठीक से स्कूटर चलाना आता तो है ना, मुझे रास्ते में कहीं गिराओगी तो नहीं ना? कोशिश करूंगी। टप्पू अरे मजाक कर रही हूँ मैं। अच्छा आप बैठ गए? बैठ गया। चले आराम से बेटा। बाय टप्पू। बाय जी। हेलो फ्रेंड्स अब हम भी घर जाएं? हाँ फ्रेंड्स रुको एक मिनट। टप्पू ने फैसला किया। कैसा फैसला? कि टप्पू स्कूटर सीखेगा। टप्पू तू स्कूटर सीखेगा? फ्रेंड्स जल्दी फ्रेश होकर क्लब हाउस में मिलते हैं। टप्पू तू क्लब हाउस में स्कूटर सीखेगा? अरे नहीं बाबा तू जल्दी फ्रेश होकर क्लब हाउस में आ जा, सब समझ में आ जाएगा। टप्पू मैं अभी भी बोल रहा हूँ ये स्कूटर चलाना कोई खाने का खेल नहीं है। वो कुछ भी हो सीखना है मतलब सीखना है। अरे टप्पू रॉन्ग मूव, गया तेरा वजीर। टप्पू मुझे एक बात बता, हमें स्कूटर सीखने की जरूरत क्या है? इमरजेंसी। इमरजेंसी? हाँ आज देखा ना तुम लोगों ने, रिक्शा और टैक्सी की हड़ताल की वजह से बबीता आंटी की फ्लाइट मिस हो गई।
और दादाजी को श्यामजी दादा से मिलने का प्लान ड्रॉप करना पड़ा। हाँ टप्पू, लेकिन बावरी दीदी आ गए थे ना फिर दादाजी को लेने। अगर बावरी दीदी ना आते तो फ्रेंड जैसी सिचुएशन कभी भी आ सकती है, जैसे कि किसी के लिए मेडिसिन लानी हो, किसी को कहीं पिकअप या ड्रॉप करने जाना हो, या माधवी आंटी के अचार पापड़ की डिलीवरी करनी हो, तब छोटी अंकल, भीड़े अंकल, बावरी दीदी ना हो तो आज की तरह स्कूटर होगा, चाबी होगी, लेकिन चलाने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन अगर हम स्कूटर चलाना सीख जाए फिर तो ये प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा ना। हाँ बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन डप्पू हम लोग लाइसेंस के बिना स्कूटर कैसे सीखेंगे? जैसे बावरी दीदी सीखते थे चुप चुप कर, पहले हम स्कूटर चलाना सीखेंगे और फिर लाइसेंस लेंगे। सोचो फ्रेंड्स, पहले हम स्कूटर चलाना सीखेंगे, स्कूटर से बाइक, फिर बाइक से गाड़ी, फिर गाड़ी से ट्रक, मजा जाएगा। लेकिन टप्पू ये सब करने में हमारे पेरेंट्स को पता चल गया तो? उसका टेंशन मत लो। अरे हमारे पेरेंट्स क्या, सोसाइटी में से किसी को भी पता नहीं चलेगा कि हम स्कूटर सीख रहे हैं। हम सबको मस्त सरप्राइज देंगे। लेकिन टप्पू गोली नो, लेकिन लेकिन यार ट्राई टू अंडरस्टैंड, सब ऐसे ही सीखते हैं। अब हाँ मैं मानता हूँ कि हम सबसे छुपा कर सीख रहे हैं, लेकिन हमारा इंटेंशन भी तो अच्छा है। वो तो है। तो फिर अरे हमारा कॉलेज का फ्रेंड विकी बाइक चलाता है और हमें तो स्कूटर भी चलाना नहीं आता, कितना एम्बैरेसिंग है ये। और फ्रेंड्स हम बड़े हो गए और वैसे भी हमारे वेकेशन चल रहे हैं, तो टाइम पास करने से अच्छा है कि हम वेकेशन को यूटिलाइज करें और स्कूटर चलाना सीखे। हाँ लेकिन टप्पू हमें स्कूटर चलाना सिखाएगा कौन? हाँ जिसने हमें रास्ता दिखाया अब वही हमें मंजिल तक पहुंचाएगा। मतलब? मतलब बावरी दीदी। अरे हाँ बावरी दीदी हमें सिखा सकते हैं। ओए हाँ बावरी दीदी के पास तो स्कूटर भी है। ओए बले 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 स्कूटर से क्या क्या स्कूटर से क्या। अरे गोदी गोदी धीरे बोल, क्या कर रहा है, दीवारों के भी कान होते हैं। सो फ्रेंड्स प्रॉमिस करो हमारे इस मिशन स्कूटर सीखो के बारे में गलती से भी कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अरे दादाजी आ गए। दादाजी आपको डर तो नहीं लगा ना? अरे नहीं नहीं बेटा, तू तो बहुत ही अच्छे से स्कूटर चला लेते हैं, एकदम मक्खन की तरह, एक भी झटका नहीं लगा। शाबाश शाबाश। थैंक यू। अरे बेटा थैंक यू तो मुझे तुझको कहना चाहिए, तू अगर आज नहीं आती तो मैं अपने बीमार दोस्त से मिल नहीं पाता। थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू की कौन सी बात है, ये तो मेरा फर्ज था और मैं तो आपकी बेटी जैसी ही हूँ ना। किसने कहा कि तू मेरी बेटी जैसी है? अरे तू मेरी बेटी ही है। खुश रहे बेटा खुश रहे, बुरा चल घर चल। दादाजी आप जाइए मैं बाद में आता हूँ। ठीक है। ठीक है तो मैं भी चलती हूँ। बावरी दीदी आपसे एक बात करनी थी। अरे एक नहीं सौ बात करो, मगर थोड़ा जल्दी। वो क्या है ना, मुझे कहीं जाना है। हाँ बावरी दीदी, टप्पू गोली और गोगी ने स्कूटर सीखने का डिसाइड किया है। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे नहीं नहीं सिर्फ ऑल द बेस्ट बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको मैं स्कूटर भी सिखाना है। हाँ हाँ सिखा दूंगी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ओए लेकिन स्कूटर तो दो हाथ से चलाते हैं, सिर्फ बाएं हाथ से नहीं। एक गोगी एक मुहावरा है, उनका बोलने का ये मतलब है कि वो हमें स्कूटर एकदम आराम से सिखा सकते हैं, इजीली। हाँ ओ ऐसा। और सिखाना ही नहीं सीखना भी बहुत आसान है, तुम लोगों को साइकिल तो आती होगी ना? हाँ उसमें हम चैंपियन है। फिर तो दो दिन ज्यादा से ज्यादा तीन दिन में आप लोग स्कूटर चलाना सीख जाओगे। शिट वाओ। लेकिन बावरी दीदी एक प्रॉब्लम है, हमारे पास लाइसेंस नहीं है तो छुप छुप कर सिखाना होगा। हाँ वो क्या है ना, हम हमारे घर वालों को सरप्राइज देना चाहते हैं। हाँ अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर मैं तुम लोगों को रात के वक्त सिखाऊंगी। वो क्या है ना, रात के वक्त ट्रैफिक थोड़ा कम रहता है, ऐसे सुनसान एरिया में जहाँ कोई आता जाता ना हो,
वहाँ तुम लोग अच्छे से स्कूटर सीख जाओगे। ग्रेट, तो आप हमको रात को ही सिखाना। पर मुझे रात को आने जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तुम लोग एक काम करो ना, तुम लोग बागेश्वर जी को फोन करो ना, अगर बागेश्वर जी आ जाएंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, टप्पू उनसे बात कर लेगा। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। वो क्या है ना, मुझे मेरी बुआ की बेटी से मिलने जाना है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, बाय 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 बाय। आराम से। टप्पू जल्दी बागा अंकल को फोन कर। हाँ हाँ। फ्रेंड्स, बागा अंकल का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। वो तो दुकान के नंबर पे कॉल करना। नहीं नहीं गोगी, नहीं 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 टप्पू मत कर, कहीं जेठा अंकल ने उठा लिया तो टप्पू को क्या बात करनी है, टप्पू को पता है। नटू काका, मैंने अपना मोबाइल चार्ज कर लिया है, आपको करना है? पर तुम दोनों क्या इधर दुकान में आकर मोबाइल चार्ज करते हो क्या? नहीं सेठ जी, मैं तो कभी दुकान में मोबाइल चार्ज नहीं करता। और सेठ जी, मैं भी कभी कभी दुकान में मोबाइल चार्ज करता हूँ, रोज चार्ज नहीं करता। हेलो गड़े इलेक्ट्रॉनिक्स। हेलो पापा। हाँ बोल टप्पू। दादाजी श्यामजी दादा से मिलकर वापस घर आ गए। चलो बढ़िया। पापा बागा अंकल को फोन दीजिए ना। क्यों, उनसे क्या काम है? पापा उन्होंने बावरी दीदी को बेचकर हमारी इतनी मदद की तो उन्हें थैंक यू बोलना था। ठीक है ठीक, ले भाई। टप्पू तुझे थैंक यू कहना चाहता है। मुझे थैंक यू किस लिए? तो बात करना भाई, पता चल जाएगा, ले बात कर। जी सेठ जी। बोलिए टप्पू सेठ जी। भाई इधर। बोलिए टप्पू सेठ जी, आप मुझे किस बात के लिए थैंक यू कहना चाहते हैं? बागा अंकल, थैंक यू तो सिर्फ बहाना है आपसे बात करने का। क्या मतलब? मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन आप पापा को कुछ भी मत बोलना प्लीज। देखिए पापा भी आपके सामने हैं, तो आप मेरी बातों को जवाब ओके और नो ओके में देना। ओके ओके। मुझे आपसे एक अर्जेंट काम है। ओके। लेकिन वो मैं आपको फोन पे नहीं बता सकता, इसलिए आपको टॉप सीक्रेट मीटिंग के लिए अभी के अभी सोसाइटी आना होगा। नो ओके। नो ओके? नहीं, वो टप्पू सेठ जी मुझे थैंक यू कह रहे हैं ना, इसलिए मैंने कहा नो ओके। अरे बगा, कोई हमें थैंक यू बोले तो नो ओके ऐसा नहीं बोलते, इट्स ओके ऐसा बोलते हैं। अरे वाह सेठ जी, आपकी अंग्रेजी कितनी सुधर गई मेरे साथ रहकर। थैंक यू, इट्स ओके। टप्पू सेठ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। पापा भी दुकान में, इसलिए आप अभी सोसाइटी नहीं आ सकते ना। ओके। अच्छा बागा अंकल, आप एक काम कीजिए, अपनी दुकान के पास जो जीतू चाय वाला है ना, अब वहीं आ जाइए, मैं आपको वहीं सब समझाता हूँ। ओके, इट्स ओके। ओके बागा बॉय, क्या कहा टप्पू सेठ जी ने? टप्पू सेठ जी ने कहा थैंक यू। वो सेठ जी, टप्पू सेठ जी ने सबसे पहले अपनी तरफ से थैंक यू कहा, फिर आपकी तरफ से थैंक यू कहा, फिर सेठानी जी की तरफ से थैंक यू कहा, फिर बापूजी की तरफ से थैंक यू कहा, फिर थैंक यू कहा। सेठ जी, सेठ जी, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चक्कर लगा के आऊं। किसके साथ? बावरी के साथ? काका? नहीं नटू काका, वो मुझे ना सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, तो बाहर जाकर मस्त मसाले वाली चाय पी के आऊं तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ओके गो। नहीं आई मीन सेठ जी अगर हाँ कहे तो जा, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। सेठ जी जाऊं? ठीक है, लेकिन चाय पीकर जल्दी वापस आना। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू नट्टू काका। ब्रेकिंग न्यूज, रिक्शा और टैक्सी की हड़ताल की वजह से गोकुलधाम सोसाइटी में एक धमाकेदार विचार ने जन्म ले लिया। टप्पू सेना के तीन सदस्य, शरारती टप्पू, गोली और गोगी, स्कूटर चलाना सीखने वाले, और वो भी अपने परिवार वालों को या घर वालों को बताए बिना। भाई उनका आशय उद्देश्य नेक हो सकता है, कि वो परिवार वालों की, सोसाइटी के निवासियों की मदद करना चाहते हैं मुसीबत के वक्त, लेकिन लेकिन बिना लर्निंग लाइसेंस के स्कूटर चलाना सीखना एक अपराध है।
और वो तीनों इस बात को नहीं जानते, और उससे बड़ा अपराध है बिना लर्निंग लाइसेंस के स्कूटर चलाना या गाड़ी चलाना सिखाना, जो कि नादान बावरी करने वाली है। और बावरी ने तो शर्त भी रख दी है कि अगर बाघा साथ होगा तो वो स्कूटर चलाना सिखाएगी। अब देखना यह है कि टप्पू किस तरह से बाघा को इस अपराध में शामिल करता है, कैसे ये तीनों स्कूटर चलाना सीखते हैं, स्कूटर चलाते वक्त कितने स्पीड ब्रेकर्स आते हैं और कितने मोड़ आते हैं, ये चलता तो इस वक्त क्या की जाए, लेकिन इतना जरूर है जितने भी मोड़ आए आपके घरों में ठाके जरूर गूंजेंगे। भाई ये रोमांचकारी जो स्कूटर चलाना सीखना है वो आप देखेंगे, इसका रोमांच क्रिकेट मैच से भी ज्यादा है। तो मजा उठाइए, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। हे भगवान, मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है, पता नहीं टप्पू सेठ जी ने मुझे सीक्रेट मीटिंग के लिए क्यों बुलाया होगा। आ गए बचा लेना भगवान, जैसा वैसा ना हो। आ गए, सॉरी बाघा अंकल, आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं टप्पू सेठ जी, कोई बात नहीं, आप मुझे जल्दी जल्दी बताइए काम क्या है, मुझे वापस दुकान भी जाना है। हाँ बताता हूँ, लेकिन पहले आप बावरी दीदी की कसम खाइए कि मैं जो भी कहूँगा आप वो करेंगे, और उसके बारे में आप किसी को कुछ भी नहीं बताओगे। अरे बाप रे, ऐसा कौन सा काम है टप्पू सेठ जी? बताते हैं बागा अंकल, पहले आप कसम तो खाइए। अरे लेकिन बागा अंकल, आपको बावरी दीदी की कसम, आप बावरी दीदी की कसम खाइए। गोली, बावरी जी की कसम खाने के लिए बावरी जी की कसम दे दी। ठीक है, मैं बावरी जी की कसम खा के कहता हूँ, आप जो भी बोलोगे वो मैं करूंगा, और उसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगा। अब जल्दी बताइए क्या काम है बागा अंकल। और बावरी दीदी ने ही कहा कि अगर आप साथ रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाप रे, बावरी जी आपने गलती से बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। बावरी जी, टप्पू सेठ जी, अगर सेठ जी को गलती से भी पता चला कि मैं आप लोगों को चोरी छुपे स्कूटर सिखा रहा हूँ, तो वो मुझे चोरी छुपे नहीं सरेआम नौकरी से निकाल देंगे। डोंट वरी बागा अंकल, ऐसा कुछ नहीं होगा, और हम जो कुछ भी कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं। हाँ बागा अंकल, बी पॉजिटिव। पर बागा अंकल आप भूल रहे हैं कि हमने बावरी जी की कसम खाई है। तो टप्पू सेठ जी आप थू थू ऐसे बोल के बावरी जी की कसम से मुझे आजाद करवा दीजिए प्लीज, ये मुझसे नहीं होगा। नहीं 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 बागा अंकल, टप्पू आपको कहीं नहीं जाने देगा। अरे आप अभी के अभी बावरी दीदी को फोन कीजिए और कहिए कि आज रात से आप हमें उनके साथ स्कूटर चलाना सिखाएंगे। हाँ। अरे लेकिन टप्पू सेठ जी, बागा अंकल आप अपने छोटे सेठ जी के लिए इतना नहीं कर सकते। अब आप इतना इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे तो करना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच बागा अंकल, लगाइए फोन लगाइए। और हाँ बागा अंकल, अब बावरी दीदी को बिना डटे सीधे काम की बात करना। हाँ जी। हेलो बागेश्वर जी, बोलिए फिर से कैसे याद किया? वो बावरी जी, आपने टप्पू सेठ जी को अपने स्कूटर पर स्कूटर सिखाने की बात की थी ना? हाँ की थी, आप आएंगे ना मेरे साथ, हम दोनों मिलकर सिखाएंगे, बड़ा मजा आएगा। मजा तो आएगा बावरी जी, लेकिन ये मजा मेरे लिए सजा बन जाएगी। क्या मतलब? कुछ नहीं बावरी जी, आप आज रात को तैयार रहना, हम आज रात से ही स्कूटर सिखाना शुरू कर देंगे। आज रात से ही? हाँ, क्यों, कोई प्रॉब्लम है? हाँ, वो मेरी बुआ की बेटी है ना सुनैना, वो अभी कुछ ही देर पहले अपनी साइकिल मुझे देकर मेरा स्कूटर कुछ दिनों के लिए पनवेल लेकर गई है। बावरी दीदी, मैं बोल रहा हूँ टप्पू, आपका स्कूटर कब आएगा वापस? दो हफ्ते भी लग सकते हैं और दो महीने भी। बच गए। मर गए? दो महीने? यार तब तक तो वेकेशन भी खत्म हो जाएगा और बारिश शुरू हो जाएगी। हाँ गोली, और बारिश में स्कूटर सीखना बहुत रिस्की होता है। अरे सॉरी टप्पू सेना, अगर आप लोगों ने मुझे पहले बताया होता कि आप लोगों को आज से ही सीखना है तो मैं मेरी कजन को स्कूटर नहीं देती। हम आपसे बाद में बात करते हैं। ओके बाय। ओए टप्पू, अब क्या करें? स्कूटर सीखने का प्लान कैंसिल। इम्पॉसिबल बागा अंकल, टप्पू जो एक बार ठान लेता है वो करके रहता है। पर वो सब तो ठीक है टप्पू, हम दूसरा स्कूटर लाएंगे कहाँ से?
गोकुलधाम सोसाइटी से। मतलब हमारी सोसाइटी से। हाँ, पीड़ा अंकल का स्कूटर तो है ही ना, सखाराम। सखाराम। राम राम। टप्पू तू पागल हो गया है? पीड़े अंकल अपना स्कूटर हमें टच नहीं करने देते, उस पे सीखने थोड़ी देंगे। बराबर है टप्पू सेठ जी, ये पॉसिबल नहीं है। अरे बागा अंकल, टप्पू के लिए ऐसा कोई भी काम नहीं है जो पॉसिबल ना हो। अब तुम स्कूटर चलाना सखाराम पे ही सीखेंगे। बागा अंकल, आप और बावरी जी रात को रेडी रहना, जैसे सखाराम का बंदोबस्त होगा मैं आपको फोन कर दूंगा। नहीं 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 टप्पू सेठ जी, आप बार बार फोन मत कीजिएगा, सेठ जी को शक हो जाएगा। अब मैसेज कर देना मुझे। ओके बागा अंकल, चलो फ्रेंड्स चलते हैं। चलो चलो। अरे यार यहाँ पे तो स्लोप है, ऊपर से चलाते ठीक है? हाँ ठीक है। चलो। बाप रे, टप्पू सेठ जी तो टेंशन देकर चले गए। अब जल्दी से दुकान जाता हूँ, वरना सेठ जी टेंशन देंगे। टप्पू, फिर से एक बार सोच ले। अरे गोली, टप्पू ने सब सोचकर ही फैसला लिया है। और वैसे भी अच्छा ही हुआ जो बावरी दीदी का स्कूटर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि स्कूटर सीखने के बाद जब तक हमें हमारा स्कूटर नहीं मिलता तब तक इमरजेंसी में चलाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही स्कूटर है, सखाराम। सो इट्स बेटर कि हम सखाराम को ही चलाना सीखे। वो सब तो ठीक है टप्पू, लेकिन जब हम लोग भीड़ अंकल के पास सखाराम की चाबी मांगने जाएंगे तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे? सखाराम चाहिए सीखने के लिए? हाँ भीड़ अंकल। तुम लोग स्कूटर सीखोगे? हाँ भीड़ अंकल। इतनी गोड़ हो ना। भीड़ अंकल चाबी दीजिए ना। हाँ भीड़ अंकल दीजिए ना। क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं, जैसे चाबी क्यों जैसे चाटा मिलेगा। खबरदार, जो मेरे सखाराम का नाम अपनी जुबा पे लिया तो कर लेना। नहीं 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 टप्पू, मुझे तो सोच के ही डर लग रहा है। अरे डोंट वरी फ्रेंड्स, पीड़े अंकल तुम्हें तब डांटेंगे ना जब उन्हें पता चलेगा। हम उन्हें बताए भी नहीं सखाराम चलाना सीखेंगे। हाँ, और फ्रेंड्स हम सोनू को इस मिशन के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। लेकिन टप्पू, सोनू टप्पू सेना की मेंबर है, उसको कैसे नहीं बता सकते है? अरे गोली, अगर हम सोनू को बताएंगे तो उसे भीड़ अंकल और माधवी आंटी से झूठ बोलना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि सोनू अपने पेरेंट्स से झूठ बोले। और हम जो कुछ भी कर रहे हैं सबके भले के लिए कर रहे हैं ना, और हम ये बात सोनू को बाद में बताएंगे तो वो समझ जाएगी। ठीक है टप्पू, लेकिन तेरा प्लान क्या है? सुनो, जैसे ही सब लोग रात को सो जाएंगे तब हम चुपके से सखाराम को बाहर ले जाएंगे और स्कूटर चलाना सीखेंगे। ऐसे कैसे टप्पू, बिना चाबी तो सखाराम हिलेगा भी नहीं। वो की पहले पूरा प्लान तो सुन, हम सखाराम की डुप्लीकेट चाबी बनाएंगे। डुप्लीकेट चाबी? हाँ। लेकिन टप्पू, डुप्लीकेट चाबी बनाने के लिए हमारे पास ओरिजिनल चाबी भी तो होनी चाहिए। अरे वो तो हम चुपके से भीड़ अंकल के घर से ले लेंगे। हाँ? और इसके लिए यही सही वक्त है। भीड़ अंकल और माधवी आंटी तो रात को आने वाले शादी से, इसलिए अभी मैदान साफ है, और इस मौके का फायदा उठाकर हम भीड़ अंकल के घर जाएंगे और बातों ही बातों में सोनू से जान लेंगे कि सखाराम की दूसरी चाबी कहाँ रखी है, और बस चुपके से चाबी ले लेंगे। लेकिन टप्पू, अगर सोनू को बाई चांस पता चल गया कि दूसरी चाबी गायब है तो? अरे गोली, नहीं पता चलेगा, तू ना उसे अपनी बातों में उलझा कर रखना। इस दौरान मैं और गोगी सखाराम की डुबी की चाबी बनाकर आ जाएंगे। हाँ हाँ। और असली चाबी को उसकी सही जगह पर रख देंगे। हाँ, करेक्ट करेक्ट। वैसे टप्पू, आइडिया तो सुपर है, लेकिन तू ऐसे कोई डुप्लीकेट चाबी बनाने वाले को जानता है क्या जो हमें फटाफट नई चाबी बना के दे? नहीं जानता तो नहीं, लेकिन हाँ टप्पू सेना, कैसे हो? सब बढ़िया है ना? अब्दुल भाई, अब्दुल भाई, वाह वाह वाह, क्या सही टाइम पे आए हो आप, पता है? नहीं नहीं गोली, ये किसी और का ऑर्डर है। अरे नहीं नहीं अब्दुल भाई, चिंता मत कीजिए, गोली को भी ये खाना नहीं है। ये गोली को बोलने दे। अरे अब्दुल भाई, मुझे ये खाना नहीं। मैं तो मस्ती कर रहा था, भूख लगी है तो खा लो खा लो। अरे नहीं नहीं अब्दुल भाई, ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली हमें आपसे एक काम था। अब्दुल टप्पू सेना की खिदमत में हाजिर है, बोलो मेरे शहजादो क्या हुक्म है? हमें डुप्लीकेट चाबी बनानी है। किसकी?
एक्चुअली हमारा एक दोस्त है ना, उसे डुप्लीकेट चाबी बनवानी है, तो आप ऐसे किसी चाबी वाले को जानते हो जो तुरंत चाबी बनाकर दे दे? हाँ, अरे अपने नाके पे मस्ताना आइसक्रीम वाला है ना, हाँ, उसके पास में ही बैठता है चाबी वाला, वो तुरंत बना के देगा आपको। थैंक यू सो मच अब्दुल भाई। थैंक यू अब्दुल भाई, मैं अब चलूं? हाँ। चलो फ्रेंड्स, चाबी वाला तो मिल गया, बस अब चाबी हाथ में आ जाए। हाँ यार, क्या धूम मचले, क्या धूम मचले, कितनी बार बोला कि मेरा सखर पे मत बैठा करो, उतरो नीचे, उतरो। अरे बच्चों बैठो बैठो बैठो, सुबह से मैच खेल के थक गए होंगे, बैठे हैं उसमें क्या है, डांट क्यों रहे हैं आप? मैंने बोला था मैच खेलने के लिए। वैसे भिड़न कल आप तो रात को आने वाले थे शादी से, तो इतनी जल्दी क्यों? हाँ कमाल है, मेरी मर्जी है, मैं जब चाहूँ जाऊँ, जब चाहूँ आऊँ। कैसे बोलता है बुलंद जी? बच्चों सोनू कहाँ है? वो तो घर पे ही है। टप्पू याद रखना, तुम लोग सकरम पे बैठे हो लेकिन सकरम को खरोश नहीं आनी चाहिए। ओ, बैठने से थोड़ी खरोश आती है, काई तरीका है। और नहीं तो क्या? क्या, क्या बोला? नहीं नहीं, काई नहीं, काई नहीं, चला सोनू ने कुछ खाया है नहीं खाया पता नहीं, चला घर ही चला। लक्षण दे उत्तरी टप्पू, भीड़ अंकल और माधवी आंटी रात को आने के बदले अभी आ गए। हाँ, अब घर जाके चाबी लेने का प्लान तो फ्लॉप हो गया। अब प्लान ए फ्लॉप हुआ तो क्या हुआ, हम प्लान बी अप्लाई करेंगे। सुनो बेटा, आ गए हम लोग। जल्दी आ गए आप लोग? जल्दी आएंगे नहीं तो क्या, शादी की विधि होने से पहले ही खाना खा चुके थे हम लोग। तो क्या हुआ, समय की कितनी बचत हुई हमारी। तुम्हें तो पता है ना सुनो, शादी में विधि खत्म होने के बाद वो कवर देने की लाइन लग जाती है। क्या है, हम लोग खाना खा चुके थे तो हमारा नंबर फटाफट लग गया, हम लोग फटाफट आ गए। और फिर हम लोग कवर देने स्टेज पर गए ना, तो उन्होंने पूछा, भिड़े अंकल आपने खाना खाया? तब इनका चेहरा तो देखने लायक था। खाए बाबा तुम ही पन। और जरा पानी आन दो प्लीज। आई गाय आई 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 भिड़े अंकल, आई माधवी आंटी। हेलो भिड़े अंकल, हेलो माधवी आंटी। हेलो, ये क्या हेलो का हेलो, अभी तो नीचे मिले थे हम लोग। लेकिन भिड़े अंकल घर में तो पहली बार मिले ना। बरोबर है। तो घर में आने का क्या प्रयोजन है टप्पू? भिड़ंगल, आपसे एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछना था। अच्छा, क्या है ये इम्पोर्टेंट सवाल? ये कि रिक्शा और टैक्सी की हड़ताल खत्म हुई कि नहीं? हाँ। ये इम्पोर्टेंट सवाल है? ये इम्पोर्टेंट सवाल पूछने के लिए तुम लोग यहाँ पे आए हो, और ये सवाल मुझसे पूछने का क्या कारण? क्योंकि भिड़ंगल अब सेक्रेटरी हो ना। ये मीडियम सोड़ी, मैं गोकुलम सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी हूँ, टैक्सी और रिक्शा के यूनियन का नहीं। अरे भिड़े अंकल, गोगी मजाक कर रहा है क्या आप भी? एक्चुअली आप और माधवी आंटी शादी से अभी भी लौटे ना, तो रास्ते में आपने देखा होगा कि हड़ताल खत्म हुई कि नहीं, इसलिए आपसे पूछने आ गए। नहीं देखा, क्योंकि हम लोग को पिकअप एंड ड्रॉप था, इसी कार में गए, इसी कार में आए। नहीं बड़ा, सच में हमारा ध्यान नहीं गया, लेकिन अब्दुल भाई की दुकान पे हम लोगों ने सुना आते आते कि हड़ताल खत्म हो चुकी है। अच्छा। क्यों फ्रेंड्स, आप लोगों को कहीं जाना है क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो फिर यहाँ क्यों आए? वो भिड़ंगल, आपने नोटिस बोर्ड पे नोटिस लिखे ना हड़ताल के बारे में, तो हमने सोचा कि हड़ताल खत्म हो गई हो तो नोटिस बदल देते हैं। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, वो मैं मेरा काम कर दूंगा। और कुछ बाकी है, कोई इम्पोर्टेंट सवाल वगैरह? नहीं। वैसे भिड़े अंकल, आपने घर में छिपकली पाली है क्या? नहीं, यहाँ पे छिपकली है इसलिए। उठा ली तो मैं मार फेंक दी। आपको सवाल पूछने आए थे ना स्ट्राइक के बारे में, वो जवाब मिल गया ना, इसलिए कह रहा है कि काम हो गया है ना। चलो फ्रेंड्स चलते हैं। नहीं एक्चुअली फ्रेंड्स, तुम लोग जाओ, मैं यहीं पे रुकता हूँ। क्यों, तुझे क्या हुआ? चिपकली के चक्कर में इतनी उछल कूद की ना, मुझे भूख लग गई।
अरे बसा ना, मैं मस्त में के नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ। नहीं नहीं माधवी आंटी, हमें भूख नहीं, आप इसे खिलाइए। हाँ। हमें कुछ काम है तो हम चलते हैं। लेकर आती हूँ बीड़ा अंकल, घर में जो कुछ भी है मैं खा लूंगा। हाँ तो आप स्पेशली मेरे लिए कुछ लेने मत जाइए। गोड़ा किसने कहा मैं तुम्हारे नाश्ता लेने के लिए जा रहा हूँ? मैं नीचे नोटिस बोर्ड के पास जा रहा हूँ, वहाँ पे जो मैंने सूचना लिखी है ना वो मिटाने जा रहा हूँ। तो जाओ, आहो, जाइए ना। मैंने भी तो वही बोला। बहुत लाड में आता है तो कभी कभी इतने लाड में आता है ना कि तो समझ भी नहीं था कि इतने। सॉरी 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 नहीं सॉरी 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 बिड़ंगल सॉरी नहीं नहीं सॉरी 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 कुकी कुकी वो देख चाबी वाला। हाँ वो रहा। आजा आजा यहाँ आजा। तालेश्वर चाबी वाला। ओए टप्पू कमाल है ना, इनका नाम तालेश्वर है लेकिन काम चाबी बनाने का है। चल चल चल। अंकल हमें हमारे स्कूटर के लिए डुप्लीकेट चाबी बनवानी है। कहाँ रहते हो तुम दोनों? गोकुल नगर, गोकुल नगर सोसाइटी में रहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ लेकिन स्कूटर साथ क्यों नहीं लाए? अरे क्योंकि अंकल हमें डुप्लीकेट चाबी बनवानी है ना, डुप्लीकेट स्कूटर थोड़ी ना बनवाना है। अरे वो तो पता है लेकिन डुप्लीकेट चाबी बनवाते वक्त स्कूटर साथ मिलाना जरूरी होता है। एक्चुअली अंकल हमें पता नहीं था कि स्कूटर भी साथ में लाना होता है। क्यों, इसके पहले कभी डुप्लीकेट चाबी नहीं बनवाई? वो बनवाई थी ना, वो मेरे घर की चाबी बनवाई थी लेकिन तभी हम लोग घर साथ में नहीं लेके आए थे। वैसे अंकल अगर हम स्कूटर साथ में नहीं लाए तो आप चाबी नहीं बनाएंगे क्या? नहीं। क्यों? लोग यहाँ झूठ बोलकर डुप्लीकेट चाबी बनवाते फिर उससे स्कूटर चोरी करते। नहीं तुम दोनों का इरादा भी तो ऐसा नहीं है। क्या अंकल आप कितना शक कर रहे हैं, पहले पुलिस में थे क्या आप? पुलिस में तो नहीं था लेकिन पुलिस वालों से अच्छी जान पहचान है मेरी। जब भी एरिया में कोई चोरी होती है तो पुलिस वाले सबसे पहले मेरे पास आते हैं इंक्वायरी करने के लिए। कहीं मैंने डुप्लीकेट चाबी बना के तो चोरों की मदद नहीं की, इसीलिए चौकन्ना रहना पड़ता है। अरे अंकल अगर हम चोर होते तो ओरिजिनल चाबी से ही स्कूटर चुरा लेते ना, आपके पास डुप्लीकेट चाबी बनवाने क्यों आते हैं? हाँ ये बात भी सही है। तो फिर अंकल प्लीज थोड़ा अर्जेंट है, जल्दी चाबी बना दीजिए ना। अच्छा ठीक है लाओ। ये लीजिए। बस अब थोड़ी देर में सकाराम की डुप्लीकेट चाबी हमारे हाथों में होगी। लेकिन टप्पू उतनी देर में अगर बीड़े अंकल को पता चल गया कि सखाराम की चाबी गायब है तो वो तो उन्हें तब पता चलेगा ना जब वो बाहर निकलेंगे। अभी अभी तो वो थक गया रे शादी से लौटे ना, तो वो बाहर निकलेंगे नहीं, और अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो गोली है ना वहाँ, सब संभाल लेगा। अरे बीड़े अंकल आपको बाकरवाड़ी नहीं पता? बाकरवाड़ी तो बाबा की फेवरेट है। तो फिर आप खा क्यों नहीं रहे हो? खाओ ना। नहीं नहीं तुम खाओ ना, वो क्या है अभी हम लोग शादी में गए थे ना तो वहाँ पे मस्त बेकी शादी का खाना खाया है, अमरस पूरी वगैरह, तो अभी इच्छा नहीं है। हाँ बोलिए अशोक भाऊ। अच्छा अरे वाह कहाँ? ओहो वो मस्त ना आइसक्रीम के बाजू वाली बिल्डिंग, वो तो हमारे एरिया में ही है। हाँ नाके पे ही है, मैं अभी आ जाता हूँ। अरे बाप रे टप्पू और गोकी तो उसी तरफ गए हैं। हाँ ओके ओके थैंक यू थैंक यू। क्या हुआ बीड़ंगल हमारे एरिया में? बोलिया हमारे एरिया में कुछ नहीं हुआ है, तुम चुपचाप मुंह बंद करके खाओ। मुंह बंद करके कैसे खाओ बीड़ंगल? अरे माधवी अरे माधवी अपने जो वो पनवेल वाले अशोक भाऊ है ना जिनके यहाँ पिछले हफ्ते अचार वाड़ की डिलीवरी करने गया था। उनको क्या हुआ? नहीं नहीं उनको कुछ हुआ नहीं है, वो यहाँ पे नाके पे एक बिल्डिंग है ना वो मस्ताना आइसक्रीम उसके बाजू में किसी रिश्तेदार के पास आए, वो पेमेंट लेके आया तो मैं जाके पेमेंट कलेक्ट करके आता हूँ। अरे वाह ये तो अच्छी बात है, जाइए ना जाइए जल्दी से जाइए। अरे बाप रे मर गए, फटाफट सरकार में जाता हूँ और फटाफट आता हूँ। हाँ अब तो बीड़े अंकल को पता चल जाएगा कि चाबी गायब है। बूम गोकुलधाम सोसाइटी में एक और धमाका जो कल के धमाके से भी ज्यादा बड़ा ज्यादा खतरनाक है।
भाई खतरनाक तो है ही, क्योंकि बाबरी का स्कूटर प्राप्त न होने की वजह से बच्चों ने यह फैसला किया है कि वो भिड़े के प्रिय सखाराम पे स्कूटर चलाना सीखेंगे। और अपने मास्टर प्लान को अंजाम देने के लिए इन्होंने नकली छिपकली का सहारा लेके भिड़े के घर से स्कूटर की चाबी भी चुरा ली। हे ईश्वर, इन बच्चों को माफ करना, इन्हें पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। क्या होगा जब भिड़े को पता चलेगा टपू सेना के इस कारस्तानी का? और पता तो चलने ही वाला है, क्योंकि भिड़े अचार पापड़ का पेमेंट लेने जाने वाले हैं वही जहां पे नकली चाबी बनवाई जा रही है इन बच्चों के द्वारा इस स्कूटर की। अब बड़ा ही कुछ खतरनाक होने वाला है, क्योंकि बच्चे प्रिय सखाराम पे स्कूटर चलाना सीखेंगे। वो सखाराम जिसकी तरफ नजर उठाने पर भी भिड़े बिजली की तरह कड़कता है। अब क्या होगा आगे, क्योंकि ये बच्चे खतरों से खेल रहे हैं, बारूद के ढेर पे बैठ के आग से खेल रहे हैं। भिड़े का गुस्सा, भिड़े का स्कूटर, बच्चों का इसी स्कूटर पे चलाना सीखना, यानी कि बहुत सारे हंगामे, बहुत सारे धमाके। क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। चाबी कहाँ गई? क्या ढूंढ रहे बाबा? सोनू सखाराम की चाबी नहीं मिल रही है। अरे ऐसे कैसे नहीं मिल रही है? कमाल है, इसको पता नहीं है। माधवी! हाँ बोला का है? सखाराम की चाबी नहीं मिल रही है। फिर से मतलब? अब सुबह भी ऐसा ही हुआ, चाबी नहीं मिल रही करके चाबी मिली कहाँ? सखाराम पे ही लगी हुई थी, निकलना ही भूल गई। हाँ हाँ, लेकिन शादी में जाते वक्त तुमने वो चाबी मुझे दे दी थी ना। तो फिर गई कहाँ? मुझे क्या पता, मैंने तो जेब में रखी थी। अभी यहाँ पे आने के बाद मेरे हाथ में चाबी थी, मैंने ऐसे पर्स अंदर रखा और चाबी तो ये रखी थी मैंने। हाँ, मैंने अपनी पर्स उठाई तब घर की चाबी यहाँ थी जो मैंने ड्रॉवर में रखी। तो सखाराम की चाबी का गोड़ा, तुमने देखी सखाराम की चाबी? मर गए। अगर भिड़े अंकल को पता चल गया तो प्लान फेल और दुलाई अलग। झोपड़ा की क्या खाता? खोली। ओ गुलाब कुमार, ने देखी सखाराम की चाबी? नहीं भिड़े अंकल, मेरा ध्यान तो खाने में है कब से। बरोबर है, मैं भी किसको पूछ रहा हूँ। आहो, आप चाबी यही कहीं पर रख के भूल गए होंगे, चाबी मिल जाएगी। अशोक बहु थोड़ी देर के लिए आए होंगे, अब सखाराम की दूसरी चाबी लेकर जाइए, पहली चाबी हम लोग ढूंढ के रखते हैं। अरे लेकिन माधवी, दूसरी चाबी की जरूरत ही क्या है, जबकि पहली चाबी यही रखी थी मैंने, यही कही होगी। नहीं, मुझे जब तक ये चाबी नहीं मिलती मैं नहीं जाने वाला। अरे आओ, नहीं आओ मिलके चाबी ढूंढते, यही कही होगी। अरे ऐसे कैसे गायब हो गई चाबी? अंकल डुप्लीकेट चाबी बंद हो जाएगी ना? हाँ बेटा, मैं पिछले 7 साल से चाबी बना रहा हूँ। ऐसी कौन सी चाबी है जो पिछले 7 साल से बना रहे और अभी तक नहीं बनी? अरे मेरा मतलब है, मैं पिछले 7 साल से चाबी बनाने का काम कर रहा हूँ। गोली का फोन? ओए टप्पू, ये तो तेरा फोन है। यार। हाँ बोल गोली। डुप्लीकेट चाबी बन गई? नहीं अभी तक नहीं बनी। अरे यार तू कब बनेगी? यहाँ पे माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा प्रॉब्लम हो गया है यार। क्या हुआ भाई? भीड़े अंकल को पता चल गया है कि सखाराम की चाबी गायब है। क्या? तू सब संभाल लेना, मैं कोई और तरीका सोचता हूँ। अरे यार तरीका वरीका बाद में सोचना टप्पू, पहले तुम लोग दोनों जल्दी चाबी बनवाओ और वहां से निकलो। मेन प्रॉब्लम तो ये है कि जहाँ पे तुम लोग हो वहीं पे भिड़े अंकल आने वाले हैं। तुम लोग जल्दी वहाँ से निकलो, नहीं तो गेम ओवर। हाँ ओके आ रहे थोड़ी देर में। आ रहे। हाँ जल्दी। सोफे के नीचे भी नहीं है चाबी। गेली कुटे? शोर करता है। सॉरी, नहीं मिली ना चाबी ना। अरे मिल गई। वो ही दूसरी चाबी है, आप जाइए ना जल्दी से, लक्ष्मी तिलक करने आई है और आप मुंह धोने की बात कर रहे हो। जाइए ना जल्दी से, देखिए पहली चाबी हम लोग ढूंढ लेंगे, आप दूसरी चाबी लेकर जाइए और पेमेंट जल्दी से लेकर आइए। ये उन्हीं का फोन है। हाँ अशोक भाऊ, हाँ बस मैं निकल ही रहा हूँ, आ रहा हूँ। नहीं जाइए मत, मैं आ रहा हूँ। देखा उनका फिर से फोन आ गया। अगर अशोक बहु चले गए ना तो आपको पनवेल जाना पड़ेगा और वो भी ट्रेन में धक्के खाते हुए। जानना रे तुम्हाला? अरे नहीं, पनवेल ट्रेन में धक्के खाते हुए मैं नहीं जाना चाहता बाबा। ए, गोली कहाँ है? अरे हाँ, बाकर रोटी और चूड़ा खत्म हो गया ना, वो क्यों रुकेगा, गया वो। हाँ वो बोले
तुम बालकनी में क्या कर रहे थे? वो भिड़ंगल, मुझे एक अर्जेंट कॉल करना था, तो यहाँ पे नेटवर्क नहीं मिल रहा था, इसलिए बालकनी में गया था कॉल करने। अच्छा अच्छा, ना। अच्छा माधवी, जैसे ही चाबी मिलते मुझे फोन करना। ओहो। और हाँ, अगर बाय चांस नेटवर्क ना हो तो एक मैसेज करके रहना। क्या मैसेज तो मुझे मिली? कितनी देर? हाँ जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। सर लौकर चाबी ढूंढते हैं, नहीं तो ये आएंगे तो घर सर पर उठा लेंगे। माधवी आंटी सॉरी बाड़ा, बाकरवड़ी अभी खत्म हो गई है। नहीं, बाकरवड़ी नहीं, मुझे ना एक काम याद आ गया है अर्जेंट, तो मुझे घर जाना पड़ेगा। मैं 5 मिनट में आता हूँ, ठीक है? आपको फिर मदद करता हूँ ढूंढने में, ओके? चल शोध कुठे ठेवली है। माधवी को लगता है कि मैंने सखराम की चाबी फिर से खो दी, लेकिन मुझे पक्का याद है कि मैंने वो टेबल पे रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। चाबी अब तक बनी भी नहीं होगी, बीड़े अंकल उसी तरफ जा रहे हैं। हाँ बोल बोल, ही क्या हुआ? अरे रिवॉल्वर से बुलेट छूट चुकी है। क्या क्या बोल रहा है तू? अरे टप्पू, भीड़े अंकल मस्ताना आइसक्रीम की ओर आने के लिए बुलेट की तरह छूट चुके हैं। अरे तो तुझे उन्हें रोकना चाहिए था ना। अरे नहीं मिला यार कोई चांस उनको रोकने का। एक काम करो, तुम दोनों वहां से जल्दी निकलो। हाँ लेकिन चाबी बन रही है अभी तक, कैसे निकले हम लोग? अरे तो चाबी छोड़ के निकलो यार टप्पू, जल्दी निकलो, भीड़े अंकल पहुंचने ही वाले होंगे। ठीक है चल बाय। अंकल प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए ना, देर हो रही है। हाँ बेटा बस थोड़ी देर और, अगर जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ हो गई तो तुम्हें ही वापस आना पड़ेगा मेरे पास। ओ ओ ओ भाई साहब, ओ क्या कमाल है, अभी रस्ते के बीचों बीच मोबाइल पे बात कर रहे हैं आप, तो साइड में जाइए ना प्लीज। ये लो बच्चों चाबी बन गई। ये बच्चे कहाँ गए? भाई साहब। अरे यार भीड़ अंकल कहीं सखाराम की असली चाबी देख ना ले। ओ भाई साहब, ये गणेश बिल्डिंग का है। कौन गणेश? नहीं गणेश नहीं, गणेश बिल्डिंग। अच्छा गणेश बिल्डिंग वो सामने है, सामने। ओके ओके थैंक यू। अरे बच्चों कहाँ चले गए थे तुम लोग? वो अंकल प्यास लगी थी ना तो पानी पीने गए थे। तुम्हारी चाबी बन गई, ये ओरिजिनल वाली और ये डुप्लीकेट वाली। अरे वाह थैंक यू अंकल। अच्छा कितने पैसे हुआ? 120 रुपए। ये लीजिए। माधवी आंटी, आप लोग चाबी बेडरूम में ढूंढिए, तब तक मैं हॉल में ढूंढता हूँ। अरे इन लोग अभी तक आए क्यों नहीं? कहीं इनको भीड़े अंकल ने पकड़ तो नहीं लिया? नहीं। क्यों क्या? गोली का फोन। हाँ बोल गोली, क्या हुआ? एग्जैक्टली क्या हुआ? तुम लोग अभी तक आए क्यों नहीं हो? गोली, हम लोग सोसाइटी में आ गए। Thank God. अच्छा गोली, घर में क्या सिचुएशन है? अरे यार टप्पू, मैं भीड़े अंकल के घर पे हूँ, मुझे कैसे पता होगा मेरे घर पे क्या सिचुएशन है? गोली, मैं भीड़े अंकल के घर की सिचुएशन पूछ रहा हूँ। और माधवी आंटी और सोनू क्या कर रहे हैं? वो लोग बेडरूम में चाबी ढूंढ रहे हैं। ग्रेट। अच्छा एक काम कर, तू जल्दी से बालकनी में आ जा। क्यों? मैं तुझे सखाराम की ओरिजिनल चाबी फेंकता हूँ और तू माधवी आंटी को दे देना, कहना कि तुझे घर के किसी कोने में से मिली। हाँ ओके ओके आता हूँ। जल्दी बोगी सुन। हाँ। एक काम कर, तू सोसाइटी के बाहर नजर रख, जैसे भीड़े अंकल आएंगे ना मुझे इन्फॉर्म कर दे। ओके ओके डन डन डन। ए किचन का है? अरे यार डुप्लीकेट चाबी दी थी, सॉरी। Ugh.
माधवी का अभी तक फोन नहीं आया, मतलब सकाराम की चाबी मिली नहीं है। लेकिन सकाराम तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारी चाबी ढूंढ के निकालूंगा। हाँ बेटा, टेंशन मत लेना बेटा। माधवी आंटी का अंदर चाबी ढूंढ रहे, तू चाबी का खिलवाने वाला है? पता नहीं, तू दरवाजे पे ध्यान रख, तू वहां ध्यान रख। जल्दी मैं मुझे अभी ढूंढनी नहीं है, कब पता नहीं कहां रख दिए उन्होंने। अरे तुम लोग कब आए? बस आंटी अभी अभी आए। अरे माधवी, तो चाबी मिली कि नहीं? मैं कब से टप्पू गोगी तुम लोग फिर से यहाँ, क्या हुआ? चाबी देने आए। चाबी ढूंढने आए भिड़ंकल? हाँ चाबी ढूंढने आए। वो क्या ना, गोली का फोन आया था कि सखाराम की चाबी गुम गई है। हाँ तो हमने सोचा ढूंढने में मदद करते हैं। आओ, पेमेंट मिला? हाँ पेमेंट मिला, लेकिन चाबी मिली नहीं। मैंने हर जगह ढूंढा है घर में, पुलिस जैसे घर की तलाशी लेती है ना, वैसे अपने ही घर की तलाशी ली है मैंने, लेकिन चाबी नहीं मिली तो नहीं ही मिली। पता नहीं कहाँ रख दी है आपने ऐसी। बाबा मुझे लगता है शादी के फंक्शन में ये चाबी कहीं गिर गई होगी। हाँ गिर गई होगी, शादी में कहीं गिर गई होगी। हाँ गिर गई होगी। हो क्या बिड़ंगल, आपका ध्यान नहीं होगा। क्या ध्यान नहीं होगा गोड़िया? सोनू बेटा जब मैं शादी से आया ना, तो मेरे हाथ में दोनों चाबियां थी, घर की और सखाराम की, और मैंने टेबल पे ही रखी थी चाबी। तो फिर चाबी गई कहाँ? काय माहित। वैसे मिरंकल आपने कुर्ते में देखा क्या? हाँ भाई चेक कर चुका हूँ मैं, बिल्कुल चाबी नहीं है इसमें। तो मिरंकल ये बताया कि आपने चाबी कहाँ रखी थी? मैंने बोला ना चाबी मैंने टेबल पे रखी थी। ओके एक मिनट साइड। ओके पक्का यही रखी थी चाबी? चला हिंदी कळत नाही काय? हाँ वही रखी थी भाई। अच्छा अगर चाबी यही रखी थी तो गिर के जा कहाँ सकती? सब जगह देख लिया है, कहीं नहीं मिली है। कुटे के लिए ये रही आपकी चाबी। शाबाश रे, बड़ा शाबाश। टप्पू यार स्मार्ट है। और तुम्हें बोला ना। हाँ हाँ टप्पू, कारपेट के नीचे चाबी कैसे आ गई? विनंकल मुझे लगता है कि वो छिपकली की भगदौड़ हुई ना, उसमें नीचे गिर गई होगी और किसी का पैर लग के कारपेट के नीचे चली गई होगी। हाँ मुझे भी यही लगता है। हाँ हाँ हमको भी। खुद तो परेशान हुए, हमें भी परेशान किया नहीं? अरे लेकिन माधवी जब अरे लेकिन लेकिन छोड़िए भी अंकल, चिल मारिए, हमें चाबी मिल गई है ना। मिली चाबी चाबी चले बाय सोनू, बाय भी अंकल, बाय माधवी। अंकल आगे से संभाल के रखना, घुमाना मत। बहुत लाड़ा। हाँ ध्यान रखूंगा। बाल बाल बचे नहीं फ्रेंड्स। हाँ, नाच तो बुरे फंस जाते। लेकिन कहना पड़ेगा टप्पू, तेरा क्या माइंड ब्लोइंग प्लान था बीड अंकल को चाबी लौटाने का। हाँ कारपेट के नीचे रख दिया। अरे गोली डुप्लीकेट चाबी तो दे। टप्पू ये डुप्लीकेट चाबी से तो हैंडल लॉक खुल ही नहीं रहा है। फिर से ट्राई कर। हाँ। गोगी हट, तू गोगी साइड में, साइड में। क्यों हो गया यार, उल्टी चाबी घुमाएगा तो कैसे खुलेगा? हाय टप्पू, हाय गोगी, हाय गोली, हाय हाय।
कैसे आप लोग? अच्छे अच्छे, आप कैसे हैं? मैं फर्स्ट क्लास। यहाँ क्या कर रहे हो आप लोग? वो बॉल बॉल ढूंढ रहे थे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ढूंढो ढूंढो। बाय बाय। बच गए। और क्या कर रहे यार, दीवारों के भी कान होते हैं, भूल गया? सॉरी सॉरी टप्पू, वो क्या है ना, पहले जितना मुझे डर लग रहा था ना, अब उससे भी डबल ट्रिपल चौपर एक्साइटमेंट हो रही है यार। एक्चुअली यार पता है मेरे मन में तो वो सॉन्ग बजना शुरू भी हो गया है। अब लॉक कर दे, लॉक कर। हाँ, लॉक कर दे। अच्छा फ्रेंड्स, ये खुशखबरी बागा अंकल को देते हैं। हाँ, मैं उन्हें मैसेज करता हूँ। सेवपुरी, भेलपुरी, वड़ा पाव, मिसल पाव, कितनी सारी चीजें हैं खाने की, इसमें से आपको और कुछ नहीं मिला खिलाने के लिए? जो आपने मुझे बावरी जी की कसम खिला दी टप्पू सेठ जी। मर गए? टप्पू सेठ जी का मैसेज, कॉल मी अर्जेंट। अरे बाप रे, सेठ जी के सामने तो टप्पू सेठ जी से बात नहीं कर पाऊंगा, क्या करूं? पहले तो सिर दर्द के बहाने दुकान से बाहर गया था, अब क्या बहाना बनाऊं? हाँ, सेठ जी, मैं जरा आऊं। क्या हुआ, फिर से चाय पीने जाना है? सर दर्द चालू हो गया? नहीं नहीं सेठ जी, बाथरूम जाना है, जाऊं? अरे जा भाई, इसमें पूछ क्या रहे, स्कूल थोड़ी है। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। फ्रेंड्स, बागा अंकल का फोन है। ओ, ये तो तेरा फोन है। हेलो बागा अंकल, एक गुड न्यूज है। अरे वाह, आपने स्कूटर सीखने का प्लान कैंसिल कर दिया? नहीं बागा अंकल, इनफैक्ट सीखने के लिए हमने सखाराम का बंदोबस्त कर लिया है। अरे बाप रे, अब तो स्कूटर सीखना ही पड़ेगा। लेकिन टप्पू सेठ जी, एक बात समझ में नहीं आई, भिड़े भाई अपना स्कूटर देने के लिए मान कैसे गए? बागा अंकल धीरे बोलिए, आसपास कोई सुन लेगा। ऐसे भिड़े अंकल स्कूटर देने के लिए माने नहीं है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अगर भिड़े भाई स्कूटर देने के लिए माने नहीं है, फिर भी आपने स्कूटर का बंदोबस्त कर लिया, ये बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। मैं समझाता हूँ, ऐसे भिड़े अंकल तो अपनी मर्जी से हमें स्कूटर देंगे नहीं, इसलिए हमने। अरे बाप रे, डुप्लीकेट चाबी बनवा ली। और बागा अंकल, गलती से भी ये बात किसी को भी मत बताना, ये टॉप सीक्रेट है। अरे लेकिन टप्पू सेठ जी, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। बागा अंकल, टप्पू एक बिजनेसमैन का बेटा है, रिस्क लेना तो मेरे खून में है। अरे लेकिन आपका रिस्क मेरा खून ठंडा कर रहा है। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ टप्पू सेठ जी, आप जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है। अरे बागा अंकल, कुछ गलत नहीं है, सब ऐसे ही सीखते हैं। और बावरी दीदी भी तो ऐसे छुप छुप कर स्कूटर चलाना सीखे थे। हाँ, और बागा अंकल, हम मौज मस्ती के लिए स्कूटर चलाना नहीं सीख रहे, हम सबकी मदद करने के लिए स्कूटर चलाना सीख रहे हैं, और इसमें आपको हमारा साथ देना है। और आपने बावरी दीदी की कसम भी खाई है। ओहो, क्यों खाई मैंने बावरी जी की कसम? बागा अंकल, आप चिंता मत कीजिए, टप्पू ने एकदम फुल प्रूफ प्लान बनाया है। तो सुनिए, आज रात को सबके सो जाने के बाद ठीक 12:30 बजे के बीच आप सखाराम और टप्पू से ना सोसाइटी के बाहर मिलेंगे, ओके? ठीक है टप्पू सेठ जी, मैं और बावरी जी भी टाइम पे वहाँ पहुँच जाएंगे। ओके, थैंक यू बागा अंकल। और हाँ, फिर से एक बार कहता हूँ, इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है टप्पू सेठ जी। ओके बाय। आज की रात बहुत भारी होने वाली है, भगवान बचा लेना। अरे रास्ते के बीच में खड़ा रहेगा तो कोई नहीं बचेगा, पीछे हो जा। हट। क्या बोला? हटता हूँ। फ्रेंड्स, रात को जब 12 बजे घड़ी में सारे कांटे एक साथ होंगे, तब सोसाइटी में सन्नाटा होगा और हम धूम मचाएंगे। नहीं 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 नहीं, कोई भी गलतफहमी मत पालिए, मैं टप्पू, गोगी और गोली के स्कूटर सीखने के प्लान में कतई शामिल नहीं।
इस गाने के जरिए मैं तो उनके दिल का हाल बता रहा हूँ। तीनों के दिल में धूम मची हुई है। ये उनके मिशन का पहला पड़ाव बहुत आसानी से उन्होंने पार कर लिया है। इस सखाराम की डुप्लीकेट चाबी बनवाना बनवा ली उन्होंने। अब उन्हें मंजिल बिल्कुल नजदीक नजर आ रही है, लेकिन वो शायद ये नहीं जानते कि मंजिल जब नजदीक नजर आती है तो चुनौतियां बड़ी होती है, मुश्किलें ज्यादा होती है। उनके लिए सबसे बड़ी और अहम चुनौती है उनके माता पिता, जो आधी रात को घर से बाहर जाने की अनुमति कतई नहीं देंगे। अब टप्पू, गोली और गोगी तीनों को एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। कैसे मनाएंगे वो अपने मम्मी पापा को, क्या क्या प्लान बनाएंगे, कैसे सीखेंगे स्कूटर, भाई आप खुद ही देख लीजिएगा कितने हंगामे होंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।